Hey guys, कैसे आप सब? आई होप आप अच्छी होंगी। तो अभी हम रेडी हो गए हैं और हमारी राखी का भी प्रोग्राम अभी चालू स्टार्ट ही होने वाला है। तो मेरी देवर की लड़कियाँ मीन्स मेरी बेटियाँ आने वाली है, अभी उनको भी बुला लिया मैंने। और खुश भी रेडी हो चुकी है, भावेश भी रेडी हो गया। अभी हम चले गए, हम अभी करते हैं सेलिब्रेट राखी। तो भावेश को मैंने ना अभी मिठाई लेने के लिए भेजी है, और मेरी ना जो इसकी लड़की है देवर की, वो आई नहीं है। ये क्या लाया तूने? अरे सेलिब्रेशन लाया ना। मैं सेलिब्रेशन थोड़ी बोला था यार, तू सेलिब्रेशन क्यों लेके आया? तूने तो बोल दी सेलिब्रेशन लाना। अरे अरे यार, तू पैसे देने वाला था ना उनको यार, वो बोलेंगे कि देख हमको चॉकलेट दे दिया अभी गए। तो अभी इसने सेलिब्रेशन लेके आया है, रिटर्न कर दे ना। थोड़ी थोड़ी उधर तो सस्ते में भी मिल जाता था, यहाँ महंगा मिला होगा। क्या सीन है, ये फंस गया अभी, अभी कुछ नहीं कर सकता है। इसको बोल रही रिटर्न जा, तो रिटर्न भी जाने के लिए रेडी नहीं है। राखी वगैरह बांधना, अभी खुशी बांध देंगे इसको, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और शर्मा जी भी उधर ही आने वाले हैं। तो अभी यहाँ चल रहा है हमारा रक्षाबंधन, दो दो बार तीन पेड़े खा चुका है अभी तक। जीजी को पेड़ा खिला दे फिर। बाप रे बाप, लड़के ने कुछ भी कुछ भी नहीं लाया, कुछ भी। गुल्लक है ना उसका, गुल्लक देने वाला है पूरा। दो सौ की नोट ही नहीं इसमें, तो ये गुल्लक देने वाला है। अरे अरे अरे, इतना भी दिल गुल्लक उसको लगा तो वो पैसे निकाल के रखा दो मिनट। बाप रे इतना कंजूस भाई, अभी नहीं देता भाव ना, क्या देगा? गिफ्ट है नहीं, वॉच है। अच्छी है क्या? कुछ खुशी, कुछ इंप्रेशन की नहीं? नहीं तो उसको ऐसे कोई बच्ची बड़ी होगी ना, रे बड़ी से लेती वॉच। पर रिटर्न तो मिला कम से कम, देख उसके लिए लाई थी, क्योंकि उसको। और मैं भी कभी मेरे भाई को रिटर्न गिफ्ट नहीं देती हूँ, हमारा कोई वो ही नहीं था, रूल ही नहीं था रिटर्न गिफ्ट देने का, पहले तो था ही नहीं। तो अभी अभी के बच्चों को अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, नया कुछ होना चाहिए और देना भी चाहिए भाई को रिटर्न गिफ्ट। तो चलिए मेरे पार्सल आ गया हमारा, अभी ये टाइम पार्सल आया, अभी पैसे चले जाएंगे हमारे शाम के टाइम। तेरे लिए गिफ्ट मंगाए थे हमने, दे दे उसको उसका गिफ्ट, इतने गिफ्ट मिल रहे उसको, सही टाइम पे आया। फिर बहुत ज्यादा सही टाइम पे आया, निकल के आया, नहीं है इसका, ये खुल गया और उसमें से निकल गया। बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है आज, और मैं यहाँ से ही लेट हो रही हूँ। तो चलिए मैं अब ना टाइम पास नहीं करूंगी, सीधा जाऊंगी, उठ के पानी पी। अब तू बहुत मार खाएगा, समझा ना, ज्यादा नाटक मत कर। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है। उसको बहुत पसीना आता ना इसके लिए। अभी चलिए मैं तो जल्दी से निकलूंगी। तो हम पहुंच गए हैं, और ये मिट्टू देखो, ईश्वरी के मिट्टू, मिट्टू नहीं है, लव बर्ड्स है, बर्ड्स। मिट्टू देखो काय नाम लाया था, ये देखो ईश्वरी के लिए हमने फ्रॉक लाया, ये रेडी होने वाली है। और ये मेरी माँ बैठी है ना, बिल्कुल साड़ी चेंज करती है ना कुछ करती है, दिन भर लाइट चली गई अभी। देखो आने के लिए टाइम है, तो मुझे ना भूख लग रही है। तो लाइट भी, खाना खाएंगे हम, ये पता खाए के। तो खाना बना हुआ है, बताती हूँ आपको। लो यार मेरा तो खाना हो गया है, और अभी ना अभी भैया राखी बांध रही हूँ, लेकिन उसको काम आ गया, मैंने पहले खाना खा लिया। और हमारे घर में ना यहाँ पे कैसे कोई साथ में नहीं रह सकता, क्योंकि प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, साथ में नहीं कर सकते। पहले भी कोई साथ में नहीं रहता था, क्योंकि एक दो लोग तो नीचे ही लगते हैं, जो एक दुकान में लगता है, और वहाँ पे तो कंटिन्यू लोग कोई ना कोई आते रहता है, इसके लिए हम एक साथ कोई नहीं रहता।
तो अभी भैया नीचे चले गए दुकान पे, तो लड़का ऊपर आ गया है, तो अभी मैं वेट करूंगी। ओहो चावल लगा, मेरा शाना बच्चा है रे, बहुत शाना बच्चा है रे, मन ले बांध, वो हाथ में बांध, बांधा इशु, अरे लट्टू खिलाना दादा को, बोले रे दोनों तरफ से खींच, इधर ऐसा एक मिनट, ये पकड़, सबसे पेड़ा छीन लिए, बंद करना, खत्म कर, ये रील आपने देखी ही होंगी, तो आप देखी भी है, और ये ऐसे तो हमने बहुत ही मज़ा किया है उसमें। अभी गाना कॉपीराइट आ जाएगा इसके लिए मैं बता नहीं रही हूँ, पर बहुत हंसी वो फनी वाला भी था, और एक खुशी होना चाहिए, हंसी मजाक होना चाहिए, तो बस इसी तरीके से हमने इंजॉय की। अरे कम करना गाना इतना लंबा, मोबाइल स्कैनर बोला जाए, अरे सच में नहीं स्कैन करना है, सच में नहीं करना है, हां मेरे भी सही है, मैं फोन दे रहा हूं, मैं किसी से क्या करूं, फिर से करना है ना, जा अच्छा दिया लगा, दिया लगता नहीं इसमें, वो जल जाएगा ना स्कैनर, ऐसा स्कैन कर रहा है, रुक जा फिल्टर। हाँ बोल रहे हैं क्या कर रहे हो, ऐसे राखी बांधते हैं क्या, तो मेरा भाई बता रहा है नहीं सिर्फ रील्स के लिए कर रहे हैं। तो आपको हमारी राखी कैसी लगी, प्लीज हम दोनों भाई बहन की रील्स कैसी लगी आप बताना मुझे, रुको ना मामा पहले ही स्कैन कर देते क्या, रुक जा मेरे को फिर से शूट करने दो, पहले खत्म हो गया, यस बाय बाय मामा, हां एडिट कर देना ना, कितने बकर लेती मेरा कर दो, चलो हमने तो बहुत मस्ती की है, जैसे आपने देखा है तो शर्मा जी का चल रहा था कि जल्दी करो, और मुझे यानी खुशी को उनको भी तो राखी बांधना था, तो बुआ की राखी आई थी, तो खुशी अभी उनको बांध रही है, और भैया का ऐसा था कि ऊपर आना जाना उसमें रील बनाना और राखी बांधना, तो इसके लिए वो थोड़ा सा जितना हमारी कॉमेडी वगैरह थी उतनी मैंने आपको शेयर की है। आपको कैसी लगे हमारे रक्षाबंधन की फ़नी वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, तो ऐसे ही मिलते हैं तो ऐसे ही मजाक मस्ती करते हैं हम, और भाभी को मैंने राखी फिर बाद में वैसे बांधना पड़ा मुझे, क्योंकि भैया को काम आ गया था तो वो चले गए, रील करते करते ही बीच में ही निकल गए थे भैया, तो अभी हम जाने वाले हैं और निकलते अभी यहाँ से, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो खुशी ने मुझे बांध दी है राखी और अभी हम निकलेंगे, चलिए अब चलते हैं हम, सब हो गए थे, अब मेरी मम्मी रह गई है, मम्मी का सब हो गया है, तो अभी हम बांधेंगे मम्मी को, तो अभी मेरी माँ को राखी बांधेंगे। हमारी बुआ तो नहीं है, तो मेरी माँ को पहले मेरे पापा को मैं राखी बांधती थी, और जब खुशी हो गई समझदार वो हुई, तो जब से वो बांधने लग गई थी, तो मेरी मम्मी और पापा को दोनों को हमेशा खुशी ने ही राखी बांधी है, तो आज मेरी माँ वो देखकर इमोशनल हो गई, क्योंकि मेरे पापा नहीं थे आज ये राखी को, तो हमको भी, मेरे बाबा नहीं रहने के बाद में भी मेरी माँ दोनों का फ़र्ज पूरा कर रही है, तो बच्चों को सबको पैसे दी, मुझे भी दी, दोनों के हिस्से के दिए हैं पैसे, दोनों के हिस्से के पैसे है, कितने मिले, 5 रुपए, अरे 5 रह गई थी अभी तो मेरे को भी मिल गए, तो ये तो मेरे माँ का आशीर्वाद ही है, और मुझे पता है मेरी माँ का कहाँ दुखता है, और वो दुख देख के नहीं जाता मेरे से, लेकिन ऐसा है ना, बोल नहीं सकते ना बता सकती हूँ मैं, और मुझे पता है मेरी माँ को बहुत याद आती है मेरे बाबा की और मेरे भाई की,
लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते हम। तो फ्रेंड्स हम अभी आ गए हैं मम्मी के यहाँ से, और अभी ना मेरी तो मेरी बेटी आई है और ये आ गए हैं, देखो देवर देवरानी भी आए हैं। तो अभी ना राखियां बांधने के लिए बहुत देर से फोन आ रहे थे, तो मैं जल्दी निकल गई। हाँ तो मेरी देवरानी का नाम राखी है। हाँ मैं सच में भूल गई, आज दिन राखी है और मेरी देवरानी का नाम भी राखी है। तो चलिए अभी हम राखी का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। मैं आ गई हूँ घर पर और अब देख रहे हो कि मेरे देवर के लड़के आके सेलिब्रेशन चल रहा है हमारे यहाँ। लेकिन मेरे मन में से मेरी माँ का रोना नहीं जा रहा था, मुझे रात भर नींद भी नहीं आई उस दिन। और दुख छुपाए छुपता नहीं है, ऐसी बातें होती है, हम कितना भी खुश रह लें लेकिन जो दुख होता है अपने अंदर वो निकल के ही आता है। अरे हम भी तो बैठे हैं। हम भी आ जा दिया गया। दिया बहनों का प्यार। चाचा चाची नहीं बोल रहे ना इसके लिए, बच्चे खाते जाना चाहिए। और हाँ हर साल मेरी देवरानी नहीं आती थी, ये साल वो भी आई, भैया भी आए तो अच्छा लगा। भैया बच्चों को लेकर आते थे कभी, भावे जाके बांधता था, लेकिन ये साल आए तो अच्छा लगा। घर पर कोई आता जाता है तो अच्छा ही लगता है, और रिश्तेदारी एक निभाना चाहिए, त्यौहार बार के दिन तो ज़रूर निभाना चाहिए, भले आप ऐसे ना मिलो लेकिन त्यौहार तो एक साथ ही मनाना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। आना फिर, चलिए आज अच्छा अच्छे से हमारा दिन बीता है और अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया है। और तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में यानी कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।